हिंदू धर्म में ओम एक विशेष ध्वनि का शब्द है। तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना कि कोई एक ऐसी ध्वनि है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के भीतर भी और बाहर भी, हर कहीं वही ध्वनि निरंतर जारी है और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा शांति महसूस करती हैं, तो उन्होंने उस ध्वनि को ओम कहकर पुकारा। आओ जानते हैं इसका रहस्य और चमत्कार। एक अनहद नाद, इस ध्वनि को अनाहत कहते हैं। अनाहत अर्थात जो किसी आहत या टकराहट से पैदा नहीं होती बल्कि स्वयंभू है, इसे ही नाद कहा गया है। ओम की ध्वनि एक शाश्वत ध्वनि है जिससे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है। ओम एक ध्वनि है जो किसी ने बनाई नहीं है, यह वह ध्वनि है जो पूरे कणकण में, पूरे अंतरिक्ष में हो रही है और मनुष्य के भीतर भी यह ध्वनि जारी है। सूर्य सहित ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह से यह ध्वनि बाहर निकल रही है। दो, ब्रह्मांड का जन्मदाता। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात शुद्ध प्रकाश, यह ध्वनि आज भी सतत जारी है। ब्रह्मा प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर के प्रकाश को ही शुद्ध प्रकाश कहते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड और कुछ नहीं, सिर्फ कंपन, ध्वनि और प्रकाश की उपस्थिति ही है। जहाँ जितनी ऊर्जा होगी वहाँ उतनी देर तक जीवन होगा। यह जो हमें सूर्य दिखाई दे रहा है, एक दिन इसकी भी ऊर्जा खत्म हो जाने वाली है। धीरे धीरे सब कुछ विलीन हो जाने वाला है, बस नाद और बिंदु ही बचेगा। तीन, ओम शब्द का अर्थ। ओम शब्द तीन ध्वनियों से बना हुआ है, आ, उ, म। इन तीनों ध्वनियों का अर्थ उपनिषद में भी आता है। आ मतलब अकार, उ मतलब उकार और म मतलब मकार। आ ब्रह्मा का वाचक है जिसका उच्चारण हृदय के निकट से होता है। उ विष्णु का वाचक है जिसका उच्चारण नाभि के निकट से होता है, तथा मा महादेव का वाचक है और जिसका उच्चारण कंठ के निकट से होता है। चार, ओम का आध्यात्मिक अर्थ। आ उ म, इस तीन अक्षरों वाले शब्द की महिमा अपरंपार है। यह नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र को जगाता है। यह ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक भी है और यह भूलोक, भूवा लोक और स्वर्ग लोक का प्रतीक है। ओंकार ध्वनि के 100 से भी अधिक अर्थ दिए गए हैं। पांच, मोक्ष का साधन। ओम ही एकमात्र ऐसा प्रणव मंत्र है जो आपको अनहद या मोक्ष की ओर ले जा सकता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मूल मंत्र या जप मात्र ओम ही है। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। प्रणव ही महामंत्र और जप योग्य है, इसे प्रणव साधना भी कहा जाता है। यह अनादि और अनंत, निर्वाण और कैवल्य ज्ञान या मोक्ष की अवस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति निर्विचार और शून्य में चला जाता है, तब यह ध्वनि ही उसे निरंतर सुनाई देती रहती है। छह, प्रणव की महत्ता। शिव पुराण में प्रणव के अलग अलग शाब्दिक अर्थ और भाव बताए गए हैं। प्र यानी प्रपंच, न यानी नहीं और व यानी तुम लोगों के लिए। सार यही है कि प्रणव मंत्र सांसारिक जीवन में प्रपंच यानी कलह और दुख दूर कर जीवन के अहम लक्ष्य यानी मोक्ष तक पहुंचा देता है। यही कारण है कि ओम को प्रणव नाम से भी जाना जाता है। प्रणव को प्रकृति से बने संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव बताया गया है। इसी तरह ऋषि मुनियों की दृष्टि से युष्मान मोक्षम इति वा प्रणव, अर्थात प्रत्येक प्राणी को परम सत्ता से जोड़कर उसमें ईश्वरीय शक्ति देकर जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के कारण यह प्रणव है। साथ स्वतः ही उत्पन्न होता है जा। ओम के उच्चारण का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है जब उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं होती। आप सिर्फ आँखों और कानों को बंद करके भीतर उसे सुने और वह ध्वनि सुनाई देने लगेगी। प्रारंभ में ये ध्वनि बहुत ही सूक्ष्म सुनाई देगी और फिर बढ़ती जाएगी। साधु संत कहते हैं कि ये ध्वनि प्रारंभ में झींगुर की आवाज जैसी सुनाई देगी, फिर धीरे धीरे जैसे बीन बज रही हो, फिर धीरे धीरे ढोल जैसी थाप सुनाई देने लग जाएगी, फिर यह ध्वनि शंख जैसी हो जाएगी और अंत में यह शुद्ध ब्रह्मांडीय ध्वनि हो जाएगी। आठ, शारीरिक रोग और मानसिक शांति हेतु। इस मंत्र के लगातार जप करने से शरीर और मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है। दिल की धड़कन और रक्त संचार व्यवस्थित होता है, इससे शारीरिक रोग के साथ ही मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। काम करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसका उच्चारण करने वाला और इसे सुनने वाला दोनों ही लाभान्वित होते हैं।
9. सृष्टि के विनाश की क्षमता। ओम की ध्वनि में यह शक्ति है कि यह इस ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह को फोड़ने या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट करने की क्षमता रखती है। यह ध्वनि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और विराट से भी विराट होने की क्षमता रखती है। 10. शिव के स्थानों पर होता रहता है ओम का उच्चारण। सभी ज्योतिर्लिंगों के पास स्वतः ही ओम का उच्चारण होता रहता है। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह के समागम से ओम की आवाजें सुनाई देती हों। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।